इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने किया 100 शैया अस्पताल का औचक निरीक्षण। आज दिनांक 23 दिसंबर को जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा 100 शैया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। जिला अधिकारी ने अव्यवस्थित तथा अस्त व्यस्त रखे हुए अभिलेखों को देखकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यालय में फैली गंदगी देखकर नाराजगी जताते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गंदे पानी की टंकी को साफ करवाने के निर्देश उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। प्रशासनिक भवन के पीछे फैली गंदगी को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। कार्यालय में रखी प्रचार सामग्री को अभी तक न बंटवाए जाने पर नाराजगी जताई तथा इसके जल्द वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय के सभागार कक्ष में एएनएम के ई कवच ऐप के प्रशिक्षण को देख तथा एएनएम को आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ACMO सुशील कुमार व जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार आदि। हरदोई से राजन कुशवाहा की एक रिपोर्ट। तो भाई क्यों नहीं व्यवस्थित, आप देखिए किस तरह से फेंका गया है। देखिए अभिलेखागार में तो वो चीजें रखी जाती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और जो आपकी गाइडलाइंस आपका अधिनियम कहता हो। विभागीय दिशा निर्देश होंगे कि आप रिकॉर्ड रूम में क्या क्या रखेंगे और कब तक रखेंगे, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं है। सब आप लोगों ने अस्त व्यस्त का रखा, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कबाड़ रखा हुआ है आप लोगों ने। आपके महत्वपूर्ण रजिस्टर, महत्वपूर्ण अभिलेख, अलमारियां सब बाहर पड़ी हुई हैं, जो जहां जिसको मन में आया उठा के ला के दम कर दिया है। बहुत बुरी स्थिति है। देखिए चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए किसी भी जनपद के लिए। उसी क्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जनपद की भी चिकित्सीय व्यवस्थाएँ और बेहतर से बेहतर हो सके। इसी क्रम में आज मैंने यहाँ CMO ऑफिस को इंस्पेक्ट किया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बहुत सारी जो हमारे अभिलेख हैं उसको अव्यवस्थित रखा गया है। इसके अलावा जो जन सामान्य में प्रचार की सामग्री है वो भी यहाँ बंडल बांध के रखी गई है। ऐसा लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया है। उनकी जिम्मेदारी हम अलग से तय करेंगे, बट CMO को हमने कहा है कि कार्यालय को साफ़ सुथरा रखें और एक ऐसा माहौल बने जिसमें सभी लोग अपने कार्यों का निर्वहन टाइम से बैठ के कर सकें। शौचालयों से बदबू आ रही है, पानी की टंकियाँ गंदी हैं, टूटी फूटी कुर्सियों का, अभिलेखों का इधर उधर अस्त व्यस्त होना ये बता रहा है कि यहाँ मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है। उसी के लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं।